मुझे अच्छी तरह याद है मेरा बोला ट्रेनिंग पीरियड जब मुझे मसल क्रैम्प्स एक्सट्रीम होते थे, स्पेशली जब मैं थाने में था मुंबई में, और वहाँ पर जो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप लगा था, जब मैंने एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग की फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग शुरू करी अंडर गुड कोचेज और प्रॉपर कॉम्पिटेटिव तरीके से, बहुत एक्सट्रीम हैवी ट्रेनिंग, तो मसल क्रैम्प्स बहुत कॉमन थे। इनफैक्ट मुझे याद है कि रात को मैं सो रहा होता था, सडनली इतना एक्सट्रीम लेग में क्रैम्प आते थे कि अगर आप लेग को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम, तो वो लेग का जो मसल वो इतना ऊपर उठ के बिल्कुल अकड़ जाता था, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। तो उस टाइम हमारे को जो बेसिक चीज़ हम कर सकते थे वो थी कि हम उसे फटाफट स्ट्रेच कर लें या इमीडिएटली पानी पी लें, अपने को हाइड्रेट कर लें, क्योंकि हमें लगता था ये चीज़ें हैं जिससे मसल क्रैम्प जो है वो रिलीज होते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टडी करने की कोशिश करी कि मसल क्रैम्प्स का एग्जैक्टली रीज़न क्या है, तो सरप्राइजिंगली ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल टॉपिक है। इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में मसल क्रैम्प्स को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अभी तक इसके ऊपर कोई भी क्लियर थ्योरी प्रूव नहीं हुई। काफ़ी हद तक चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन जो 100% प्रूवन थ्योरी है वो कोई भी एक थ्योरी नहीं है कि इस थ्योरी की वजह से मसल क्रैम्प होता है। ऑन द अदर हैंड मसल क्रैम्प्स ही मल्टीपल तरह के होते हैं, तो इसमें हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प, यानी मसल क्रैम्प जो एक्सरसाइज से एसोसिएट होते हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो सेकेंड हम डिस्कस करेंगे वो है नॉक्टर्नल क्रैम्प्स, यानी रात को काफ़ी लोगों को क्रैम्प्स होते हैं, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट एज ग्रुप्स में, वुमेन मैन दोनों को, वो क्यों होते हैं। ये दो जो मेजर क्रैम्प्स हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि इस टॉपिक में हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसल क्रैम्प्स के ऊपर मैंने एक ईबुक लिखी है। ये जो ईबुक है ये मेरी वेबसाइट bstupid.com और Amazon Kindle पर अवेलेबल है, आप जाइए इसको परचेज करिए। मसल क्रैम्प्स के ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल इसमें दी है, जो पॉसिबल रिसर्च स्टडी थी, जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मुझे मिली, मैंने कंपाइल करके इस ईबुक में डाली है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को और डिटेल में समझने में, इसको स्टडी करने। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो सिर्फ इरिटेटिंग नहीं होते बल्कि बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ये बेसिकली इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इनवॉलंटरी का मतलब हुआ कि इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या आपके कंट्रोल में नहीं होती है, किसी भी टाइम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो ये आप वॉलंटरीली कर रहे हैं। अब इमेजिन कि आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो लेकिन रिलैक्स ना हो, और वो भी इनवॉलंटरी नहीं, आपके कंट्रोल में ना हो, बिना आपके कॉन्ट्रैक्ट किए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रिलैक्स ना हो, तो ये मसल क्रैम्प होता है। इसका एक प्राइमरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेट्स से आपने किसी दिन आर्म्स का अच्छा वर्कआउट करा है, आपकी बाइसेप बहुत ज्यादा सोर है, आपने अच्छा वर्कआउट करा, आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जब आप बाइसेप को फ्लेक्स करते हैं तो वो जो बाइसेप है वो अटक जाता है कुछ टाइम के लिए, एकदम क्रैम्प हो जाता है। तो वो जो क्रैम्पिंग है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस ये इनवॉलंटरी होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा ये आपको कब हो रही है। जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो कुछ सेकंड से लेकर काफी देर मिनट्स तक भी जा सकते हैं, और ये एक साथ मल्टीपल मसल्स में जो है वो हो सकता है। और ये जो मसल क्रैम्प्स है ये सिर्फ स्केलेटल मसल्स के नहीं होते, आपकी बॉडी में और भी जो मसल्स हैं उनके भी जो है मसल क्रैम्प्स वो हो सकते हैं, और काफी लोगों के केसेस में ये बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी लाइफ के जो क्वालिटी है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक आउटलुक ले लेते हैं कि क्या क्या इसके पीछे थ्योरीज और लोग क्या समझते हैं कि क्यों मसल क्रैम्प्स होते हैं। रिसर्च में दिखाया गया कि काफ़ी केसेस में अगर आप किसी न्यूरोमस्कुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं या कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आपके ऊपर है या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो मसल क्रैम्प्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस की बात करें, तो अगर आप एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस हैं। इन केसेस में देखा गया कि मसल क्रैम्प्स काफी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। काफी केसेस में बहुत सारे डिजीज में भी मसल क्रैम्प्स बहुत कॉमनली देखे गए हैं, जैसे अगर कोई लिवर डिजीज से सफर कर रहा है, कोई थायराइड इश्यू से सफर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्रैम्प्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जिन केसेस में कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो पाता उन्हें हम इडियोपैथिक कहते हैं, यानी कोई भी अंडरलाइंग कॉज जो है वो मिला नहीं, अननोन रीजंस की वजह से मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं कई लोगों को। जब हम एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प्स की बात करते हैं, तो हमने देखा कि एथलीट्स वगैरह में, स्पोर्ट्समैन में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। कई लोगों को में ये जो चीज है, जो मसल क्रैम्प्स हैं, ये शुरू में होती हैं और काफी एक्सट्रीम होती हैं, लेकिन उसके बाद ये ठीक हो जाती हैं, फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग जनरली नहीं देखने को मिलती। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी देखा गया कि लाइफ लॉन्ग क्रैम्प्स का इशू जो है वो कंटिन्यू रहता है। ऑफ कोर्स जब रिसर्च करी गई तो पता लगाया कि काफी सारे एथलीट में जो इंटेंसिटी ऑफ क्रैम्प्स हैं वो वेरी करते हैं। जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प, यानी मसल क्रैम्प जो एक्सरसाइज से एसोसिएट होते हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे वो है नॉक्टर्नल क्रैम्प्स, यानी रात को काफी लोगों को क्रैम्प्स होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेज में इट कैन बी अ वेरी स्मॉल माइनर स्पैजम हुआ, छोटा सा क्रैम्प आया और उसके बाद वो ठीक हो जाता है. कुछ केसेज में एथलीट ने यह भी बताया कि उनकी बॉडी ही ऑलमोस्ट लॉकअप हो जाती है, पूरी बॉडी एक साथ क्रैम्प कर जाती है और इसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग और आगे उनको और भी प्रॉब्लम्स का सफर जो है वो सामना करना पड़ता है, ट्रेनिंग भी सफ़र करती है. और जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च में मल्टीपल रीजंस देखने को मिले जिनकी वजह से ये हाइपोथेसिस यानी सिर्फ एक एज्यूम करा गया कि ये रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं, जिनमें से ऑफकोर्स कुछ आता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फटीग. अगर आप इंटेंस हीट में वर्कआउट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहे हैं, अगर आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो रहे हैं, अगर आपकी जो कंडीशनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे और भी रीजंस हैं जिनको हाइपोथेसाइज किया गया कि भाई हो सकता है कि इन रीजंस की वजह से जो मसल क्रैम्प्स हैं वो किसी को आ रहे हैं. लेकिन अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि मसल क्रैम्प का एग्जैक्टली प्रूवन रीजंस क्या क्या है और क्या रीजंस ऐसे हैं जो एक्चुअली प्रूव तो नहीं हुए लेकिन आपको वो चीज़ जो है वो दिमाग में रखना ज़रूरी है. एक कॉमन क्वेश्चन आता है मसल क्रैम्प्स को लेके कि क्या अगर हम हॉट वेदर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या मसल क्रैम्प्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. रिसर्च में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मसल क्रैम्प्स इसलिए हो रहे हैं उनको हीट में बिकॉज उनकी स्वेटिंग एक्सेसिव हो रही है, तो उन लोगों को मसल क्रैम्प्स विदाउट स्वेटिंग कोल्ड एनवायरनमेंट में भी हो रहे होते हैं. इसलिए ये जो थ्योरी है कि मसल क्रैम्प्स स्वेटिंग की वजह से आपके बढ़ जाते हैं या इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन की वजह से बढ़ जाते हैं, ये भी ऑलरेडी गलत प्रूव हो चुकी है. ऑन द अदर हैंड ये भी नोटिस करा गया कि जिन एथलीट्स को हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में क्रैम्प्स इनिशियली आ रहे हैं, 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जब उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, ट्रेनिंग से अडैप्ट कर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मसल क्रैम्प्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्वेटिंग उतनी ही एक्सेसिव हो रही होती है. So, अभी तक ऐसा कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं आया जो ये प्रूव करे कि आपको जो मसल क्रैम्प्स हैं वो हीट में ज्यादा होंगे या कोल्ड एनवायरनमेंट में ज्यादा होंगे. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है और एक बहुत ही कॉमन लिंक जो देखने को मिला है वो है कि लोगों को लगता है और पूछते भी हैं कि क्या डिहाइड्रेशन से जो है वो मसल क्रैम्प्स आते हैं, और ये तो सबसे कॉमन थ्योरी है. बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको अभी बताया जो स्टडीज में प्रूव हुआ है और भी स्टडीज में क्लियरली प्रूव हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन से क्रैम्प्स का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. क्योंकि जब एंड्योरेंस एथलीट्स को ऑब्जर्व करा गया तो उन्होंने देखा कि स्वेटिंग की वजह से क्रैम्प्स नहीं हो रहे हैं, जो क्रैम्प्स का एक्चुअल रीजन उनमें देखने को मिल रहा है वो है इंटेंसिटी. उन्होंने देखा कि जो एथलीट्स जो हैं वो हायर इंटेंसिटीज पे वर्कआउट कर रहे हैं उन्हें क्रैम्प्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं रैदर देन बिकॉज वो स्वेटिंग ज्यादा कर रहे हैं या उनके इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लूज हो रहे हैं. क्योंकि काफी सारी स्टडीज में बहुत क्लियरली दिखाया गया कि जब उन्होंने प्रॉपर ऑन ट्रेनिंग एथलीट्स को स्टडी करा, कॉम्पिटेटिव एथलीट्स को स्टडी करा ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो एथलीट्स हैं जिनको क्रैम्प्स आ रहे हैं चाहे वो हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ट्रेन कर रहे हैं वो एक्चुअली में वेल हाइड्रेटेड थे, उनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं था ना उनको इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का प्रॉब्लम था. और ऑलमोस्ट 70% एथलीट जिनको क्रैम्प्स आ रहे थे उनमें हाइड्रेशन का डिहाइड्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था ना उनको इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का प्रॉब्लम था. तो उन्होंने देखा कि इसीलिए जो मसल क्रैम्प्स हैं जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आते हैं वो हीट की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से एक्चुअली प्रूवन नहीं है. सो जो थर्ड क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन था हीट को लेके, सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई डिहाइड्रेशन से मसल क्रैम्प बढ़ते हैं, थर्ड ऑफकोर्स आता है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का, जो हमने अभी स्टडीज में देखा कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम इन सब में अगर कोई इंसान इसकी डिप्लीशन किसी में हो रही है ड्यू टू स्वेटिंग और सम रीजन, तो उसकी वजह से भी कोई क्लियर लिंक देखने को नहीं मिला है कि इनकी डिप्लीशन की वजह से मसल क्रैम्प्स जो है वो बढ़ जाते हैं. इनफैक्ट काफी सारी पॉपुलेशंस में जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स हैं या सॉल्ट टैबलेट्स हैं वो रिकमेंड करी जाती हैं, उनको लगता है कि इसकी वजह से जो है आपके मसल क्रैम्प्स हैं वो प्रिवेंट होंगे. लेकिन मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल स्टडीज में क्लियरली देखा गया कि इनका कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट या लिंक नहीं है. ऑन द अदर हैंड जो एथलीट्स हैं जिनके अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं उनको कोई भी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम उनमें देखने को मिला, उनमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला. इसी में से एक और जो फैक्ट निकल कर आता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको पोटेशियम की कमी हो जाएगी उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आएंगे, तो काफ़ी लोग बनाना रिकमेंड करते हैं. अगेन स्टडीज़ में क्लियर दिखाया गया कि जिन एथलीट्स को बनाना दिया गया है उनमें भी मसल क्रैम्प की प्रिवेंशन या उससे कोई डायरेक्ट लिंक देखने को नहीं मिला है. सो जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स या पोटेशियम जो है वो डायरेक्टली मसल क्रैम्प्स से लिंक्ड नहीं है. काफ़ी सारे रिसर्चेज में इसको जो सम अप करके बताया गया है वो ये बताया गया है कि एक्सेसिव स्वेटिंग से या हॉट एनवायरनमेंट में वर्कआउट करने से मसल क्रैम्प्स नहीं होते हैं, उनका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है. अगर इलेक्ट्रोलाइट जो आप इंबैलेंस की बात करते हैं कि बिकॉज ऑफ स्वेटिंग आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो निकल रहे हैं उसकी वजह से क्रैम्पिंग नहीं होती है, क्योंकि क्रैम्पिंग इन मैक्सिमम केसेस देखी गई है वो मैंने जैसे आपको बताया उनमें देखी गई है जो वेल हाइड्रेटेड है जिनमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नहीं है.
ऑन द अदर हैंड जो लेस कंडीशनड एथलीट्स होते हैं उनमें क्रैम्पिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं उनमें क्रैम्पिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बनाना खाने से या पोटेशियम टैबलेट्स लेने से, उसे लोड करने से या सॉल्ट टैबलेट लेने से आपका मसल क्रैम्प्स प्रिवेंट नहीं होते हैं। जो पॉसिबल सोल्यूशन देखने को मिले हैं जिसके थ्रू जो चीज़ें प्रूव हुई हैं एक्चुअली में वो बहुत लिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बेस्ट तरीका होता है मसल क्रैम्प्स को इमीडिएटली एक्यूट तरीके से रोकने का वो सिर्फ एक है, वो है स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी काफ में क्रैम्प आ जाता है, आपकी हैमस्ट्रिंग में क्रैम्प आ जाता है, तो उस टाइम आपको और कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले अपनी काफ और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। वो बेस्ट तरीका माना गया है रिसर्च में भी, एक्यूट यानी इमीडिएट जो है वो स्टेप आपको लेना है वो स्ट्रेचिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसल क्रैम्प्स जो हैं जब वो स्पोर्ट्समैन में स्टडी करे गए, जिसे हम एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प्स कहते हैं जो हम अभी तक समझ रहे हैं, तो उन पे मल्टीपल स्टडीज हुई हैं और मैं कोई भी इंटरवेंशन अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ना आपको कोई बता सकता है। अगर कोई इंसान आपको कोई बताता है कि एक्स वाई जेड थिंग आपको करनी चाहिए, उसके पीछे कोई बेसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टडीज तो बहुत सारी हैं जो मैंने मेंशन करी हैं अपनी ई बुक में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 2015 में जनरल स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ अल्ट्रा मैराथन रनर्स को स्टडी करा, जिसमें जो मैराथन जो अल्ट्रा मैराथन जो की रेस थी दैट वॉज ओवर 160 किलोमीटर, यानी 160 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेस थी अल्ट्रा मैराथन रेस। उसमें उन्होंने उन एथलीट्स को ड्यूरिंग रेस टाइम स्टडी करा फॉर रियल टाइम एक्सपीरियंस, और उनके अंदर भी बाकी स्टडीज की तरह सिमिलर टाइप के जो ऑब्जर्वेशन थी वो देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस में जो क्रैम्प्स थे वो बहुत कॉमन थे, और स्पेसिफिकली लोअर बॉडी जिसमें से काफ, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्राइसेप जो क्रैम्पिंग थी वो सबसे ज्यादा कॉमन। और उन्होंने देखा कि जो हाइड्रेशन स्टेटस था, जो उनका फ्लूइड स्टेटस था और जो उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, उसका उनके क्रैम्प्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि जिन लोगों में क्रैम्प्स आ रहे थे उनका वो बिल्कुल हाइड्रेटेड भी थे, उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, और जिनमें नहीं आ रहे थे उनके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि अगेन सेम प्रॉब्लम के आपका जो डिहाइड्रेशन है या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो आपको लगता है कि स्वेटिंग से एक्सेसिव हो रहा है, तो वो कोई क्रैम्पिंग का डायरेक्ट रीज़न नहीं है। जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न कॉमन निकल कर आया ऑलमोस्ट ऑल स्टडीज में वो था एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी एंड फटीग, ह्यूज अमाउंट ऑफ फटीग। इससे पहले कि हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को यानी एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प्स को कंक्लूड करें, हम पहले नॉक्टर्नल क्रैम्प्स यानी रात को जो काफी लोगों को क्रैम्प्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या चीजें रियली में प्रूवन है और क्या चीज ऐसी जो प्रूवन तो नहीं है लेकिन आप एज अ सेफ्टी कर सकते हैं। काफी सारे लोगों में स्पेशली काफी मेडिकल केसेस में रात को सोते सोते क्रैम्प्स आना बहुत कॉमन होता है, काफी केसेस में ये बहुत रेगुलर होते हैं और बहुत ही पेनफुल होते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि जो नॉक्टर्नल क्रैम्प्स होते हैं मैक्सिमम केसेस वो इडियोपैथिक होते हैं, यानी अननोन रीजन की वजह से होते हैं। कुछ थ्योरीज उसे एसोसिएट करी गई हैं लेकिन कोई भी 100% प्रूवन थ्योरी नहीं है कि ये जो रात को मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं रिसर्च में क्लियरली बताया गया है कि रात को जो मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं यानी आपको नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनीमिया, ग्लूकोज लेवल्स, सोडियम या सॉल्ट लेवल्स, कोई किडनी डिजीज या थायराइड फंक्शन, इनसे कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। बिकॉज इसके पीछे काफी लोगों को रिसर्च नहीं पता है, काफी लोगों को इसका मतलब नहीं पता है क्यों हो रहे हैं, कोई नोन ओरिजिन नहीं है, तो इसका कोई प्रॉपर क्योर या सॉल्यूशन भी जो है वो नहीं डायग्नोस करा गया दिया गया है। तो लोग काफी सारी इंटरवेंशन जो है वो अपने आप ही ट्राई करते रहते हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 90% से ऊपर बिल्कुल यूजलेस इंटरवेंशन। अब एक बहुत डिटेल स्टडी में जब काफी सारे एडल्ट पार्टिसिपेंट्स को लिया गया जो मल्टीपल नॉक्टर्नल क्रैम्प से सफर कर रहे हैं और करते रहे हैं काफी समय से, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो इन सारे के सारे क्रैम्प से रिलीव करने के लिए अपने आप को, तो उन्होंने मल्टीपल जो हैं चीजों को लाइनअप कर बताया कि ये सारी जो हम प्रैक्टिसेस हैं हम अपने पे ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, ये सारी इंटरवेंशन है जो नोट करी गई कि इतनी सारी तरह की चीजें हैं जो लोग ट्राई कर चुके हैं मसल क्रैम्प्स को रिलीव करने के लिए। अपनी काफ या हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना, उसे मसाज करना, कुछ हीट एप्लीकेशन देना, ऑन द स्पॉट रनिंग करना, मैग्नीशियम टैबलेट्स लेना या सप्लीमेंट्स लेना, पानी ज़्यादा पीना, उसके अलावा जो स्टूपिड से रिकमेंडेशन और भी होती हैं कि टॉनिक वाटर पी लेना, तो लोगों ने बोला कि इससे आपका मसल क्रैम्प रिलीज होंगे, अल्कलाइन वाटर पी लेना, ऑल दैट स्टूपिड थिंग्स। कुछ लोग गेटोरेट वगैरह पीते हैं, कुछ लोगों ने कुछ जो क्रैम्प रिड्यूसिंग टैबलेट्स वगैरह सेल हो रही हैं मार्केट में, इसका कोई डायरेक्ट रिसर्च नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, उनको लिया। कुछ लोगों ने आयरन टैबलेट्स ली, जिंक को बिलोबा सप्लीमेंट्स लिए, कुछ लोगों ने बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स लिए,
कुछ लोगों ने कुछ ग्रीन टी इंटरवेंशन वगैरह ट्राई करी जो लोगों ने उनको रिकमेंड करी थी, उसके अलावा काफ़ी सारे मिनरल्स, ग्लूकोसमिन, ये सब भी लोगों ने ट्राई करे। कुछ लोगों ने एप्सम सॉल्ट से बाथ लेने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने एसेंशियल ऑयल्स भी थे उससे भी बाथ लेने की कोशिश करी कि शायद इससे रिड्यूस हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसी स्टूपिड रिकमेंडेशंस भी देते हैं। इसके अलावा एस्पिरिन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, विटामिन ई, जिंक, ये सारी की सारे सप्लीमेंट्स लोगों ने ट्राई करे ये सोच के कि शायद इससे जो है मसल क्रैम्प्स रिड्यूस होंगे। कहीं उन्हें बनानास खाए, ऑरेंजेस खाए और भी फ्रूट्स खाए। तो ऐसी मल्टीपल जो थी इंटरवेंशंस लोगों ने अपने ऊपर ट्राई करी या लोग करते हैं या कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मसल क्रैम्प्स को रिलीव करने के क्या क्या जो है तरीके हैं और क्या प्रूवन हैं और क्यों मैक्सिमम जो है वो अनप्रूवन है। कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया कि काफ़ी सारे ऐसे मेडिकल केसेस हैं जिनमें ये नॉक्टर्नल क्रैम्प्स के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट, वो लोग जो कार्डियोवैस्कुलर इशू से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग किडनी या लिवर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग जो आर्थराइटिस वगैरह से सफ़र कर रहे हैं प्रेगनेंसी के केसेस में, ऐसे केसेस में भी कुछ रिसर्चेस आई हैं जो बताती है कि इन सारे केसेस में भी जो क्रैम्प्स हैं वो आपको हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ मेडिसिन वगैरह ऐसी हैं जिनको लेने से ये बोला जाता है कि क्रैम्प्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे डायरेक्टिक्स होता है या कुछ और मेडिकेशन हैं जिनसे ये प्रॉब्लम्स जो है यानी मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। एक और कॉमन रिकमेंडेशन सुनने को मिलती है अपार्ट फ्रॉम जैसे हमने सारे सप्लीमेंट डिस्कस करे कि जो मैग्नीशियम टैबलेट्स हैं अगर आप वो ले लेते हो उससे आपकी जो मसल क्रैम्प्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। और मार्केट में काफ़ी हद तक के सप्लीमेंट सेल भी होते हैं मसल क्रैम्प्स को रिड्यूस करने के लिए, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैग्नीशियम का मल्टीपल स्टडीज़ में कोई भी लिंक या बेनिफिट नहीं देखा गया है मसल क्रैम्प्स की तरफ। तो अगर आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं सोच के कि आपको मसल क्रैम्प्स कम होंगे, आई एम सॉरी, इसका कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं। अब जो रिसर्च को कंबाइन करके जो सारी इंटरवेंशन देखने को मिली हैं, तो काफ़ी सारी स्टडीज़ में कुछ कंक्लूजन बहुत अच्छे दिए गए हैं कि ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली में आप कर सकते हैं जो आपको मसल क्रैम्प को रिलीव करने में हेल्प करेंगी या उसकी जो इंटेंसिटी है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसे कम करेंगी। सो सबसे पहले इंटरवेंशन जैसे मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले होती है एक्यूट, कि अगर आपको मसल क्रैम्प आता है तो आप एक ही चीज़ उस टाइम कर सकते हैं, वो है अपनी बॉडी को या उस मसल पार्ट को स्ट्रेच करना। वो बेस्ट तरीका माना गया है इमीडिएटली मसल क्रैम्प को रिड्यूस करने का। उसके अलावा कुछ फॉर्म ऑफ मसाज अगर आप उस लोकल एरिया की करें तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स एक्स्ट्रा लेना, पोटेशियम मैग्नीशियम एक्स्ट्रा लेना, सॉल्ट लेना, ये कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं करता है। हाउएवर अपने को हाइड्रेटेड रखना इज एक्चुअली अ गुड थिंग, ताकि एक दिमाग में आपके ये ना हो कि उसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपको अपने को हाइड्रेटेड रखना वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो चाहे वो अदरवाइज हो, लेकिन इससे कोई डायरेक्ट लिंक देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको क्रैम्प आया और उसके बाद आपको पानी पीने से, इलेक्ट्रोलाइट लेने से थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया डायरेक्ट बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये मत सोचिएगा कि क्रैम्प इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया या मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लिए या उसकी कोई डेफिशिएंसी हो रही। तो अपने पैसे कभी भी बहुत सारे महंगे महंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया है विद मसल क्रैम्प्स, वो है आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। काफ़ी जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं उनमें मसल क्रैम्प्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो 100 मीटर रनर्स होते हैं या 200 मीटर रनर्स, जब वो स्टार्ट लेते हैं, एक्सप्लोजिव स्टार्ट लेते हैं या बहुत हाई इंटेंसिटी से रन कर रहे होते हैं, तो आपने देखा काफ़ी कॉमन क्रैम्प्स जो हैं उनको उनमें आते हैं, सडन क्रैम्प्स आते हैं, राइट? तो अब ऐसा नहीं है कि वो बंदा उस टाइम डिहाइड्रेटेड है इसकी वजह से उसमें क्रैम्प आया है, वो क्रैम्प बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी आते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रॉपर कंडीशनिंग है, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग है, वो बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी एथलीट। सो जब मसल क्रैम्प्स की बात करते हैं, आई होप आपको इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी मिथ्स एसोसिएटेड हैं अगेन मसल क्रैम्प्स को लेकर, और कैसे लोग आपको स्टूपिड रिकमेंडेशन देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। इन सारी चीज़ों से मसल क्रैम्प्स का कोई एसोसिएशन नहीं है। जो चीज़ आपको बेनिफिट कर सकती हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन कोई भी स्टूपिड सप्लीमेंट या कोई भी एक्सेसिव ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स वगैरह आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंड्योरेंस वर्कआउट कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो उसको वैसे भी आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट लेना अच्छा है, लेकिन वो मसल क्रैम्प से लिंक नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस से लिंक है। अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग, तो ऑफकोर्स अगर आप अपने आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रॉपर लेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं या थोड़ी सी डिहाइड्रेशन सेट होनी, उससे आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे। तो क्रैम्प्स को क्योर करने के लिए सारी इंटरवेंशन हैं वो फेल हो चुकी। जो ओनली इंटरवेंशन जैसे मैंने आपको बताया वो ये हैं कि आप इमीडिएटली अगर क्रैम्प आता है तो कोई आप इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करिए, उस एरिया को थोड़ा सा मसाज करिए, अपने आप को ऑफकोर्स हाइड्रेट करिए, लेकिन वो कोई आपको 100% कभी भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रेशन का कोई लिंक नहीं है। लेकिन उस टाइम अपने आपको अगर आप पानी पी के आपको अच्छा फील होता है, प्लीज़ पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली जो एक्सरसाइज
एसोसिएटेड मसल क्रैम्प्स होते हैं, उनका तरीका है अपनी जो प्रॉपर कंडीशनिंग है, वर्कआउट्स है, आपके जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसे प्रॉपर सेट करिए। तो वो प्रॉपर कंडीशनिंग के थ्रू ही जो इवेंचुअली है आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, अडैप्ट करेगी स्टिमुलस से और आपको मसल क्रैम्प के चांसेस कम होंगे। और फटीक वगैरह अगर बहुत एक्सेसिव हो रहा है तो ऑफकोर्स मसल क्रैम्प के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो नॉक्टर्नल क्रैम्प्स हैं उसमें कोई डिजीज के केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में, कुछ मेडिकेशन के केसेस में भी हो सकता है, लेकिन आप अगेन उसमें इंटरवेंशन सिमिलर हैं। अगर आपको रात को मसल क्रैम्प आता है तो पानी वगैरह आप पी सकते हैं जस्ट टू मेक यू फील गुड, लेकिन जो डायरेक्ट बेस्ट तरीका होता है अगेन इट इज द सेम कि उस मसल को इमीडिएटली स्ट्रेच करिए और उस एरिया को मसाज करिए। आई होप मसल क्रैम्प्स के ऊपर जो आपके सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो मैंने ईबुक लिखी आप उसे परचेज कर सकते हैं और उसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस सोर्स भी यूज कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए पीएस स्टूपिड।